नहीं जाएगा, उधर कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हो क्या? तो ये जो चीज़ अभी आपने देखी है, एंड आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कई बार देखी होंगी जब कोई फॉरेनर आया और इंडियंस पागल हो गए उसके साथ फ़ोटो खिंचाने को, तो इसका रीज़न क्या होता है? हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है स्लेव माइंडसेट, यानी गुलामों का दिमाग। अब ये जो दिमाग है आपको ये कहता है कि फ़ोटो खिंचा लो इस गोरे के साथ और ये फ़ोटो डाल दो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सोशल वैलिडेशन के लिए। हेलो गाइज, एंजॉइंग ताजमहल विजिट एंड हैविंग फन विद फॉरेनर्स, लुक हाउ मच इंटरेस्टेड दे आर फॉर हैविंग सेल्फीज विद अस। श्योरली वही पागल हो रहे हैं आपके साथ सेल्फी खिंचाने को। तो ये जो स्लेव माइंडसेट है, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे अंदर आया कैसे है। तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि 200 साल तक राज करा है ब्रिटिशर्स ने हम पे। भाई प्लीज़ अपनी हिस्ट्री बुक्स करेक्ट कर लें, 1000 साल तक राज करा गया था इस सब कॉन्टिनेंट पे। तो सबसे पहले आए थे यहाँ पे मुगल्स, जिन्होंने आपके मंदिर तोड़ दिए और यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया, और उनका सोल पर्पज़ यही था कि आपसे जितना लूट मार हो सके सब कुछ करें और आपको ये बता दें कि आप कितने गंदे और घटिया लोग हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही कि दुनिया में करना क्या है। बल्कि वो ये बखूबी जानते थे कि आप बहुत ही कल्चर्ड और सिविलाइज लोग हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सबमिसिव बना दिया ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज कि आपके अंदर रिवोल्ट करने की क्षमता ही खत्म हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले आपको फाइनेंशियली वीक बनाया, जिसकी वजह से आप पॉवर्टी में गए। उसके बाद जो आपके बच्चे थे वो माल नरिश पैदा होने लगे, यानी जो उनकी ग्रोथ थे वो कम थी, वो प्रॉपरली जितना ग्रो हो सकते थे उतना ग्रो नहीं कर रहे थे। जब रिवोल्ट करने की क्षमता आपकी बिल्कुल खत्म कर दी गई, आपको सबमिसिव बना दिया गया, तब आपको ये दिमाग में आने लग गया कि ये लोग जो हम पर राज कर रहे हैं हमारे मास्टर्स हैं। दैट्स हाउ यू बेसिकली सबमिट टू समवन। दैट्स वाई यू कैन सी कि बहुत सारे हिंदू राजास जो थे उस वक्त वो मुगल्स के साथ जुड़ गए थे, बिकॉज रिवोल्ट को इतने बुरी तरीके से क्रश करा जा रहा था कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो उनके अगेंस्ट जाएं। फिर ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज आप अपना कल्चर और सिविलाइजेशन भूलते चले गए। फिर आए ब्रिटिशर्स, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो एक्चुअली लोग काफ़ी खुश थे। पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने सपोर्ट के लिए। जितने भी रिवोल्ट हुए हैं यहाँ पे वो उनको इंडियंस ने ही क्रश करा, क्योंकि एटलीस्ट वो सबको ही एक तरीके से ट्रीट कर रहे थे, यानी सबके सभी स्लेव्स हैं यहाँ पे। मुगल्स हों या हिंदूज, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको ही अपना गुलाम बना दिया। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका आइडियोलॉजी यही था कि हम लोग रेशियली सुपीरियर लोग हैं। भाई हमारे कलर देखो, हम कितने गोरे हैं, हमारी आंखें देखो कितनी नीली हैं, बालों का कलर देखो, और तुम अपना देखो, ब्राउन स्किन के बंदे हैं, चड्डी पहन के घूमते हैं, तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। उनका सोचने का नज़रिया यही था, और इसी तरीके से वो स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे थे। आप फिजी के अंदर जाओ तो वहाँ पे अभी भी शायद 30% इंडियंस हैं। बट एट द सेम टाइम उनकी जो मास्टर रेस वाली फिलॉसफी थी, उन्होंने आपके दिमाग के अंदर डाल दी कि गोरा सुपीरियर है और हम इन्फीरियर लोग, क्योंकि हमारी स्किन का कलर ब्राउन है और हम भद्दे दिखते हैं। तो ये जो पूरी हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट है, इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि इंडियंस का सेल्फ वर्थ ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज बहुत डाउन हो चुका है, और इनसिक्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो सेल्फ वर्थ होती है, यानी आप अपनी वैल्यू किन चीज़ों पर आँकते हो। तो ये जो फोटो खिंचाने वाली बीमारी है हमारी, ये सिर्फ वाइट फॉरनर्स के साथ ही क्यों है? कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स पेश करे जाते हैं बहुत ही बेकार से, कि इंडियंस ने कभी फॉरेनर्स को देखा नहीं है इसलिए वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। भाई तो ब्लैक्स भी आते हैं इस कंट्री में, उनके साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है, उनके ऊपर तो रेसिस्ट कमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, पत्थर मार दिए जाते हैं कुछ जगह पे, पर वाइट्स को देखते ही हम पागल हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें ये दिखाना है कि देखो ये गोरे मास्टर रेस के साथ हमने फ़ोटो खिंचा लिया, ये इतनी डीप रूटेड है आपके दिमाग के अंदर कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं फ़ोटो खिंचा क्यों रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक दोस्त आता है मेरे पास और कहता है कि भाई देख, मैं गोवा गया था, एक गोरी लड़की के साथ फ़ोटो खिंचा के लाऊं। सो दिस इज़ आर माइंडसेट कि एक गोरी लड़की के साथ फोटो खिंचाना हमारी अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे आजकल वाइट फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और फिर उसको अपलोड जब करते हैं तो उस पर लाखों और मिलियन में व्यूज़ आते हैं। अगर वो वीडियो में ये बता रहे हैं कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ब्यूटीफुल पीपल, तो हम लोग पागल हो जाते हैं। सो प्राउड टू बी इंडियन एंड पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें वहीं लिखने लगेंगे हम लोग। एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा ये वीडियो अपलोड कर देता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट है, लोग बहुत पुअर हैं, तो हम उसको गाली बकने लगते हैं कि भाई तुम तो हमारी नेशन का नाम खराब कर रहे हो, मतलब तुम होते कौन है, हमारी कंट्री में आए और हमारा नाम खराब कर रहे हो। तो फर्स्ट प्लेस में आप क्यों गए थे ये बोलने के लिए कि सो प्राउड टू बी इंडियन? एक गोरे की वैलिडेशन आपको चाहिए ही क्यों? किसी अमेरिकन को देखा है आपने कि कोई इंडिया से गया हो, अमेरिका में व्लॉग शूट कर गया हो और अमेरिकन वहाँ पर चिल्ला रहे हो कि सो प्राउड टू बी अमेरिकन? नहीं, ये नहीं होता, बिकॉज दे नो कि उनकी कंट्री अच्छी है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, लेकिन हमने अपने कल्चर को जाना ही नहीं, अपनी सिविलाइजेशन को जाना ही नहीं है, तो हम ये फालतू की चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं और वाइट वैलिडेशन के प्यासे हो चुके हैं। अब इसी में आपको बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स मिलेंगे जो कि इंडियन मूवीज़ या स्नैक्स के ऊपर कुछ रिएक्ट कर रहे होते हैं और उस पर भी लाखों और करोड़ों में व्यूज़ आते हैं। अगेन मैं यही बोलूंगा कि कोई वाइट तो ये आके हरकत कर नहीं रहा है, वो तो ये बोल नहीं रहा है कि सो प्राउड टू बी यूरोपियन और अमेरिकन और यूके, फ्रांस, व्हाटएवर इट इज़। यही सेल्फ वर्थ की कमी दिखती है आपको मीम कल्चर में इंडिया में।
गुलाबी गुलाबी करके आपको बहुत सारे मीम्स दिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा नहीं, जिनको पता है वो अच्छी बात है। बट ये मीम बेसिकली शो करता है जो इंडियन बॉयज़ की फैंटेसीज है कि हमारी किसी तरीके से शादी हो जाए गोरी लड़की के साथ। तो यहीं से निकल के आपको एक और चीज़ मिलती है कि आजकल ये बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं जिसमें कोई इंडियन लड़का होगा और इसने वाइट लड़की के साथ या तो शादी कर ली होगी या उसकी गर्लफ्रेंड होगी और उन्होंने व्लॉगिंग करना शुरू करी है, तो इस पर लाखों में व्यूज़ आते हैं। बिकॉज अगेन हम लोग पागल हो जाते हैं कि हाउ कैन दिस ब्राउन इंडियन मैन कैन हैव दिस ब्यूटिफुल वाइट गर्लफ्रेंड और वाइफ। तो हम लोग इतने ज़्यादा फैंटेसी में जी रहे हैं और वाइट वैलिडेशन पे मर रहे हैं, तो ये हरकतें हमेशा ही होंगी कि जैसे ही कोई गोरा फॉरनर आएगा हम भागे चले जाएंगे सेल्फी खिंचाने को। दूसरी चीज़ है इसमें जो हमारी इनसिक्योरिटी इतनी हाई क्यों है, तो ये 1955 की एक मूवी है पाथरे पंचाली, डायरेक्टेड बाय फेमस सत्यजीत रे। तो इस पोएम के थ्रू बेसिकली यही बोल रही हैं कि मेरे बेटे को काला किसने बोल दिया, यानी काला इक्वल्स टू बदसूरत बहुत टाइम से इंडिया में चला आ रहा है। अगेन मैं यही बोलूंगा कि ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज हमारे दिमाग के अंदर ये डाल दिया गया है कि भाई तुम बदसूरत लोग हो, प्लीज़ अपना हुलिया ठीक कर लो। और दूसरी चीज़ कि आपको ये बताया जाता है कि कोई क्रीम लगा लो या कोई सोप लगा लो जिसकी वजह से जो तुम्हारे अंदर गोरा इंसान छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि धूप में हमारा रंग काला हो चुका है और कुछ लगा लेंगे तो हम गोरे बन जाएंगे। तो इसमें एक थ्योरी ये भी है कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और लो क्लास के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, क्योंकि वो धूप में बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो वो काले हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ ने ये थ्योरी बनाई है, क्योंकि उसको डेफिनेटली ये चीज़ दिमाग में नहीं थी कि इंडिया इज़ अ सन रिच कंट्री, हमारी बॉडी में मेलानिन कंटेंट ही ज़्यादा है। यह अगेन उसी थ्योरी को परपेट्रेट करता है कि आपकी स्किन के नीचे एक गोरा इंसान वास करता है, अगर आप दबा के इसको धुल लोगे तो गोरे हो जाओगे। अब इस इनसिक्योरिटी का आपको एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देता हूँ। काका एक बहुत ही फेमस सिंगर है जिनका ये गाना है काले जे लिबास। इस गाने के अंदर ये बोल रहे हैं कि लड़की को काला कपड़ा पसंद है लेकिन काले लड़के पसंद नहीं है, लेकिन खुद वो सिंगर गोरी लड़की के पीछे भाग रहा है। तो ब्यूटी का स्टैंडर्ड तो आप खुद फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक लड़का पसंद कर सकता है गोरी लड़की लेकिन एक लड़की पसंद नहीं कर सकती गोरा लड़का। तो एक तो हम बहुत ही गंदी हिपोक्रेसी में जीते हैं कि हमको गोरी लड़की पसंद करनी है, पूरे इंस्टा पर ये गुलाबी गुलाबी करके मीम शेयर करना है, लेकिन जब लड़की बोल दे कि मुझे गोरे लड़के पसंद है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि ये क्यों बोल दिया इसने, इसने कैसे अपना ओपिनियन पास कर दिया। तो जब तक हम लोग ये सेल्फ एक्सेप्टेंस लाएंगे नहीं कि हमारा ये जो स्किन कलर है यही रहने वाला है, कितना ही ब्लीच लगा लो कितनी फेयर एंड लवली लगा लो कोई चेंज नहीं होने वाला, लोगों के अंदर सेल्फ वर्थ की कमी हमेशा रहने वाली है और इनसिक्योरिटी हमेशा आसमान को छूने वाली है। और एक ऐसा इंसान जो कि अपनी वैल्यू नहीं करता, ना ही वो अपने आसपास के लोगों की वैल्यू करेगा, ना ही वो अपनी कंट्री की वैल्यू करता है, इसीलिए आप देखते हो कि जो भी हमने खाया वो रैपर वहीं का वहीं फेंक दिया, थूकते हुए चल रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर गुटखा खा के और सोच ही नहीं रहे कि भाई ये कंट्री मेरी है, और दो मिनट बाद बोल दें प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन वहीं जैसे ही गोरा आ जाएगा हम भूल जाएंगे कि हम लोग हैं कौन और उसके चरणों में हम अपना माथा दे मारेंगे। एंड सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो और आपको ये समझ में आएगी हमारे दिमाग के अंदर स्लेवरी कितनी डीप रूटेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो।